नमस्कार प्रणाम। हम है सांसद रवि किशन शुक्ल गोरखपुर। ये संदेशा बा हमरे समस्त गांव देहात के लोगन खातिर कि कृपया ये मत सोचिए कि संक्रमण खत्म होता, कोरोना चल गई। नहीं, ये खतरा अभी भी बना हुआ है, ये खतरा अभी भी है। इस खतरे से हम लोग बाहर नहीं निकले हैं, तो मास्क पहनिएगा जरूर, मास्क उतारिएगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग करिएगा। जैसे कि सरकार का आदेश भी आया है कि 25 लोग शादी ब्याह में रहें तो भीड़ नहीं जुटाइएगा। इस संक्रमण से हम लोगों को बचना है, इस संक्रमण कम हुआ है, गया नहीं है। तो ये जरा भी निश्चिंत ना हो जाए कि भैया चल गए अब कुछ ना हुई, नहीं नहीं, ये आप लोग इस गलत फहमी में ना मत रहिएगा। अपन ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक फंगस भी आयल बाटे कि इसके बाद एक साइड इफेक्ट आता है, आंख लाल हो जाती है और उसके बाद जलन होती है, आंखों में सूजन होती है। तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके बाद जो असर आता है कोविड के बाद, कोरोना के बाद, ऊपर उकरे ऊपर ध्यान दिया, घरे में जरूर रहिए भैया, कोई काम नहीं है, कहीं मत जाओ। पूरा जीवन पड़ा है काम धंधा करने के लिए, जिएंगे तो पूरा जीवन काम करेंगे, घरे में रहिए भैया, ढूक के रहिए, दाल रोटी खाएंगे, घर में रहेंगे, परिवार समेत रहेंगे, क्योंकि पूरा पूरी पूरी दुनिया, पूरा देश इस वक्त घर पर है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घरे पे रहा। सरकार से सलाह लेते रहिए, आप लोगों के मेडिसिन किट मिल रही है, वो जानकारी अपने प्रधान सरपंच से, अपने गाँव से, मंडल अध्यक्ष से पता करिए, फोन करिए, मेरी सहायता लाइन चल रही है, उधर पता कर लिए मेडिसिन किट कहाँ है। पूरे जिला में सैनिटाइजर का काम चल रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, जोन जोन गांव बचल बा अपना उसकी जानकारी दें, कृपया फोन करके बताइए। साफ सफाई रखिए, बरसात का समय आ रहा है, इंसेफ्लाइटिस भी दोबारा होगा, गंदगी मच्छर ये सबसे दूरी रखना, गाँव को साफ रखना, अपने द्वार को, अपने घर के बाहर साफ सफाई रखिए, ये सारी चीजें। तो मैं ये सब आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारा निहोरा बा निवेदन बाटे कि आप लोग अभी संक्रमण गया नहीं है, कोरोना है ये मत समझिए खत्म हो गया है, ये रहेगा, ये खतरा बना हुआ है। अपने आप को अपना समय आते तुरंत रजिस्टर करवा के वैक्सीन जरूर लगवा लें। खांसी बुखार इसको वायरल ना समझे, इसकी जांच करवाएं, राय लें। हर जगह से आप लोगों की मदद, प्रशासन ने बहुत सारी फोन लाइन, हर सारी सुविधाएं की हैं, दिन रात लगे हैं। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं पूरे गांव से कि ई बेर गांव में ढेर खतरा बा, गांव की तरफ अभी कोरोना बढ़ गई बाटे, तो अपने के कैसे बचाएंगे भाई। कुल सुविधा सरकार देले बाटे, कुल दवा पानी, चेकिंग, ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा, अस्पताल, हर चीज से गोरखपुर इस वक्त पूरा, पूज्य महाराज जी ने पूरा केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलके प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। अब हम लोगों को जागरूक होना जरूरी है क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, तो बस यह 60 लाख से ज्यादा का आबादी बा। सब लोगों से बोलो अपन ख्याल रखिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए, ये मत सोचिए कि मास्क नहीं उतारना है, मास्क नहीं उतारना है, निरंतर हाथ धोते रहना है, अपना ध्यान देना है। कृपया आप लोगों की एक एक जान बहुत कीमती है, अपने जोन एक झटका में हो गई, अचानक ही कोरोना आ गई और हम लोग उसके लिए तैयार, लेकिन अब हम लोग तैयार हैं, हम लोग सचेत हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बिगर पूज्य महाराज जी, हम यशस्वी प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाथ जोड़ के समस्त देवतुल जनता गोरखपुर के, मैं सांसद रवि किशन शुक्ल निवेदन करता हूं कि भैया हो, जितने भी चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि चैनल के माध्यम से भी आप मुझे देख रहे हैं, इस टीवी चैनल के माध्यम से, एनबी न्यूज के माध्यम से, 10 नेटवर्क के माध्यम से, जो जो आप लोग मुझे देख रहे हैं जहां भी, मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं, साथ दें, संक्रमण कोरोना गया नहीं है, कम हुआ है, गया नहीं है। तो जो हम लोग पिछले साल कर दिए, तुरंत मास्क वास्क फेंक दिए थे, बाहर निकल गए थे, अब नहीं करेंगे। बहुत दुखद हुआ जितने लोग अपने परिवार को खोए हैं, बहुत वो सारी पीड़ा हम समझ रहे हैं, उस पीड़ा में मैं भी आपके साथ एक सांसद के रूप में हम जुड़ल है। भैया हो, अपने परिवार का ख्याल रखा, घरे में रहिए, कुछ नहीं जाएगा, कुछ समय हम लोग घर में रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, पूरा जीवन कमा ले जाई, खा ले जाई, लेकिन इस समय जब प्रभु, जब नेचर कह रहा है, जब प्रकृति कह रही कि चुपचाप बैठो आप लोग, प्रकृति अपने विराट रूप में, तो हम लोगों को प्रकृति को नमन करके, उसका सम्मान करके घर में रहना, बस यह संदेशा वह हमार। और
फंगस के लिए आप लोग डॉक्टर से ब्लैक फंगस जो आ रहा है तुरंत जांच के लिए बात करें, और इसका इंजेक्शन आता है वो पता करें। बुखार आ रहा है तो समझिए कि आपको आरटीपीसीआर अपना चेक, कोरोना की जांच करवानी है, ये वायरल ये नहीं है। खांसी आ रही तो चेक करवाना है, अपनी जांच सब लोग कोरोना कोविड टेस्ट की जरूर करवाना है। बस हर हर महादेव, महादेव साहब सब लोगों की रक्षा करें, यही निवेदन है महादेव से। जय हो।